अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है वो चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ हैं। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ख़वातीन और हज़रात को अक्सर फेस करना पड़ता है। खुसूसन ख़वातीन में ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हार्मोनल होती है। अंदरूनी ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से ये चेहरे पर आ जाती हैं और इसके अलावा खून की शदीद कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है। लिहाजा जिसके भी चेहरे पर दाग धब्बे और छाइयाँ हों उनको चाहिए कि अपना खून का टेस्ट करवाएँ, हार्मोन्स के ज़रूरी टेस्ट करवाएं और अल्ट्रासाउंड भी करवाएं और इसके अलावा डॉक्टर से रابطہ करें तो जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम नज़र आएगा उसके मुताबिक डॉक्टर जो आपको दवाई देंगे आपका मसला उससे हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको चेहरे पर सन ब्लॉक का इस्तेमाल और ऐसी हिफाजती लोशन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर सन ब्लॉक हो ताकि सूरज की तेज़ शुआएँ जो हैं वो आपके चेहरे की जिल्द को डैमेज ना करें। तो ये भी डॉक्टर आपके जो हैं वो उसमें गाइड कर सकते हैं। और छाइयाँ बनने की मर्दों में भी ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो यही हैं कि वो धूप में ज़्यादा जाते हैं, सन के आगे एक्सपोज होते हैं, बाहर जाते हैं तो उससे चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं। तो बाहर जाते ज़रूरी है कि आप चेहरे की हिफाजत करें, सन ब्लॉक लगाएँ, सर पर कैप पहनें और तेज़ धूप से अपने चेहरे को बचाएँ। खुसूसन 10 बजे से लेकर शाम की तक की जो धूप है ये आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है तो इस टाइम पर खुसूसी एहतियात करें। तो इसी तरह अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे मौजूद हैं, निशान मौजूद हैं तो आप इस सिलसिले के इसके इलाज के लिए आप हमसे भी रابطہ कर सकते हैं। मेरे तमाम नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इस वीडियो के साथ मौजूद हैं, आप हमसे रابطہ करें। इंशाल्लाह आपका डायग्नोसिस करके उसके बाद जो भी इसके लिए मुनासिब क्रीम और दवाइयाँ होंगी वो हम आपको इसके लिए देंगे जिससे आपका मसला इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।